कैरी uh, भी कर सकते कहीं पर भी चेक कर सकते हैं लेकिन हंड्रेड परसेंट रिलायबिलिटी नहीं होती ग्लूकोमीटर की बिकॉज ऑफ द कैलिब्रेशन इश्यूज और सो मैनी अदर थिंग बट वाई फार इट इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी इनएक्सपेंसिव टेस्टिंग ऑफ द ब्लड शुगर एट यूर ओन होम एट यूर ओन कन्वीनियंस देखिए लैब का ब्लड टेस्ट तो होता ही है उनका डिफरेंट थोड़ा सा जो मेथड होता है स्लाइटली डिफरेंट इन टेस्टिंग इन द द टेस्टिंग लैब बट ग्लूकोमीटर और लैब लैब टेस्ट में एक बेसिक फर्क होता जो वाले सैंपल लेते हैं वो आपका वीनस सैंपल लेते हैं यानी कि वेन्स में से निकालते हैं जो आपका ग्लूकोमीटर का टेस्ट होता है वो कैपिलरीज से होता है यानी कि जो बहुत छोटी छोटी एंड आर्टरीज हैं उससे होता है तो दोनों के बीच में थोड़ा सा दस एक मिलीग्राम का फर्क आना लाजमी है क्योंकि वीनस ब्लड में हमेशा शुगर कम होता है ब्लड थोड़ा ज्यादा होता है एनी anyway, तो अगर आपका शुगर नॉर्मल लेवल से ज्यादा है तो नेचुरली आपको डायबिटीज है और आपको उसको फर्दर टेस्टिंग की जरूरत होती है इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है एच बी ए वन सी यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट जो है वो आपको बेसिकली एक एवरेज देता है कि तीन महीने के अंदर आपकी बॉडी ने उस शुगर का क्या किया शुगर कैसे रही है तीन महीने के अंदर अंदर, अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं जिसको हम एच बी कहते हैं इट इज अ वेरी गुड सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ योर वेदर इट इज कंट्रोल्ड और नॉट बट रिमेंबर वन थिंग मैं आपको एक यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगा कि जब आप इंसुलिन पे होते हैं या इवन सर्जरी करानी है आपको या बाहर जाना है डे टू डे शुगर इज टू बी रेगुलेटेड बाय योर ओन ग्लूकोमीटर और ब्लड शुगर टेस्टिंग नॉट बाय एच बी एवन सी एच बी सी सिर्फ आपको एवरेज देता है वो एग्जैक्ट उस टाइम की ब्लड शुगर कितनी है वो नहीं बताता चौथे नंबर पर आप एक नया टेस्ट आया जिसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सी इसका मतलब ये होता है एक छोटा सा पैच होता है जो हम स्किन पे लगा देते हैं ऊपर वाल, वाले हिस्से में लगा देते हैं वो नॉर्मली तीन दिन पांच दिन सात दिन पंद्रह दिन कितने भी दिन के लिए आप उसको लगा सकते हैं तो उसके अंदर बहुत फाइन नीडल्स होती हैं जो रेगुलरली जो है आपका ब्लड शुगर चेक करती रहती हैं टाइम टू टाइम आवरली बेसिस के ऊपर आपको फील भी नहीं होता और पंद्रह दिन के बाद या दस दिन के बाद हम उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि किस टाइम पर आपकी शुगर ज्यादा है किस टाइम पर शुगर आपकी नॉर्मल है या एवरेज से कम है इट इज अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट एंड वेरी गुड टेस्ट बट स्लाइटली एक्सपेंसिव टू द ट्यून ऑफ अराउंड थ्री थाउजेंड रुपीज के आसपास चार हजार तीन चार हजार के आसपास ये टेस्ट में होता बट इट इज इट गिवज ए वेरी गुड इंडिकेशन कि आपकी शुगर पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दी नाइट जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम पे शुगर कितनी रहती है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन देता है हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजंस के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें